शुरू करते हैं अल्लाह की बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल खौफनाक कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूं। मैं उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। मेरी तरफ़ से आप सब लोगों को जुमा मुबारक। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ लेकर आई हूं जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी फैसल शेयर कर रहे हैं अमेरिका से। फैसल कहते हैं कि अभी नाउ अडेज़ मैं अमेरिका स्टेट टेक्सास में होता हूँ, लेकिन जो स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये आज से 12 साल पहले की है। उस वक्त मैं अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में था और वहाँ पर मैं स्टूडेंट था, मीडिया का स्टूडेंट था मैं। तो वहाँ पर हम लोगों का एक ग्रुप था। उस ग्रुप में हम लोग 5 लोग थे, मेरे क्लास फेलोज भी थे उसमें। हम लोगों को एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था, हम लोगों ने एक हॉरर आर्ट मूवी बनानी थी, ये हम लोगों का एक प्रोजेक्ट था। उसके लिए हम लोगों ने बहुत सी जगह विज़िट की। हम लोगों को एक ऐसे लोकेशन का पता चला जो वहाँ पर लाइक एक टाउन था, कंट्री साइड था। उसके बारे में ये कहा जाता था कि पिछले 50 साल से वो जगह गैर आबाद थी। वहाँ पर जितने भी घर थे वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे खंडरात होते हैं, खंडर बन चुके थे ऑलमोस्ट। तो वो जगह हम लोगों ने सिलेक्ट की कि हम लोग वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर हम लोग जाकर पहले उसका सर्वे करेंगे, उसके बाद हम लोग वहाँ पर अपनी एक हॉरर आर्ट मूवी बनाएंगे। हम लोगों के अपने ग्रुप फेलोज़ थी जिसमें 2 लड़कियाँ भी थीं और 2 लड़के थे। लड़की और लड़के जो थे उन लोगों ने सबने यही डिसाइड किया था। लोगों को कोई करेक्टर भी वहाँ पर प्ले करना पड़ा तो हम लोग बकायदा उसका जैसे घोस्ट गेटअप होता है वो हम लोग ले लेंगे। तो हम लोग 5 लोग थे, मैं था, माइकल था, डैनी था और 2 मेरी क्लास फेलोज़ थी जिनमें एक इज़ाबेल थी और एक लीज़ा थी। हम लोग 5-6 लोग जब उस लोकेशन पर हम लोग पहुँचे तो सडनली वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, काफ़ी ज़्यादा काले बादल थे और बारिश भी स्टार्ट हो चुकी थी। जैसे हम लोग वहाँ पर गए वो जगह इतनी अजीब थी, इतनी भयानक थी। कोई भी वहाँ पर घर ऐसा नहीं था जिसको हम लोग ये कह सकें कि वो सही सलामत हो, टूटा फूटा ना हो या खंडर ना लग रहा हो। बहुत भयानक जगह थी। काफ़ी देर हम लोग वहाँ पर फिरते रहे, बल्कि बारिश से बचने के लिए हम लोग उन टूटे फूटे घरों में भी जाकर हम लोग रुके कि हम लोग किसी जैसे वहाँ पर बारिश से बचने के लिए कि गीले ना हो जाएं। तो जब हम लोग वहाँ पर मौजूद थे हम लोगों को बकायदा महसूस हो रहा था कि जैसे हम लोगों के अलावा भी वहाँ पर चहल पहल है। अब वो बारिश की आवाज़ें थी, हवा भी बहुत तेज़ थी, वो सब था या हम लोगों का वहम, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन एक खौफ हम लोगों पर था। बीइंग अ मुस्लिम मैंने तो आयतुल कुर्सी पढ़कर, दुरूद पाक पढ़कर अपने ऊपर उसका हिसार किया हुआ था और वो जो लोग थे एज़ पर देयर रिलीजन उन लोगों ने भी अपने साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ था कि उन लोगों को भी डर वहाँ पर ना लगे। हम लोगों ने एक डे सेलेक्ट कर लिया कि हम लोग यहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर हम लोग जाकर बाकायदा एक शूटिंग करेंगे, एक मूवी बनाएंगे। हम लोगों ने उससे 3 दिन के बाद वहाँ पर जाना था, फुल डे हमें वहाँ पर स्पेंड करना था और आज के दिन में ही हमें वो सारे शॉट्स कंप्लीट करने थे। हम लोगों का वहाँ पर स्टे फुल डे का था। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों ने 1-2 और लोग हायर किए थे जो एज़ ए कैमरामैन वहाँ पर हम लोगों के साथ टीम वर्क में थे, उन्होंने काम करना था। अब जो हम लोगों की जो गर्ल्स थी हम लोगों के साथ, लीज़ा और इज़ाबेल जो थी, उन लोगों ने वहाँ पर वो बकायदा कॉस्ट्यूम पहने हुए थे। बकायदा वो लोग अपने वही घोस्ट गेटअप में थी, कॉस्ट्यूम पहने हुए थे वाइट कलर के और बाल उन लोगों ने बहुत अजीबोगरीब तरह से जैसे खोले हुए थे। बिल्कुल उनको अगर बैक साइड से देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा हॉरर लुक्स दे रही थी। और वो जो 2 लड़के थे उनमें से एक को हमने ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना दिया डैनी को, और जो माइकल था वो और मैं, हम लोगों ने वहाँ पर कुछ साउंड प्रोड्यूस करने थे और कुछ हम लोगों ने जैसे पत्थर वगैरह फेंकते हैं ये हम लोगों ने सब कुछ करना था। अब उन लोगों का सिर्फ करैक्टर इतना था कि वहाँ पर वो जो टूटे फूटे घर थे जब हम लोग उसकी शूटिंग कर रहे होंगे तो उन लोगों ने बस वहाँ से
जैसे एक साइड से गुज़र जाना है, किसी ने तेज़ी से गुज़र जाना है, कोई हम लोगों की बैक साइड से गुज़रेगा, कोई बैक साइड पर खड़ा हो जाएगा, बस इसके अलावा उनका और कोई नहीं था कि उन्होंने किसी पर जाकर अटैक करना है या इसके अलावा कुछ। हम लोग जब वहाँ पर पहुँचे तो हम लोगों को वहाँ पर पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गई थी, क्योंकि हम लोगों ने उसमें कुछ इवनिंग इफ़ेक्ट्स डालने थे, नाइट में भी हमने कुछ सीन्स वहाँ पर शूट करने थे, इसलिए हम लोग इसी टाइमिंग के साथ वहाँ पर पहुँचे कि जो हम लोगों को डे टाइम पे चाहिए होंगे वो भी हम लोग शूट कर लेंगे और जो हम लोगों को इवनिंग और नाइट में चाहिए होंगे वो भी हम लोग शूट कर लेंगे। वहाँ पर हम लोग 7 लोग जब वहाँ पर पहुँचे, हम लोगों ने सारी लोकेशन देख ली, हम लोगों ने स्टार्ट एक ऐसी जगह से लिया, वो 2 घर थे जो मुकम्मल तौर पर टूटे हुए थे, बिल्कुल उनकी कुछ कुछ दीवारें बाकी थीं, कोई उनकी विंडो कोई डोर कुछ भी नहीं था। वहाँ पर बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ और बहुत ज़्यादा वो देखने में बहुत ज़्यादा पुरसरार से लग रहे थे। हमने सोचा था स्टार्ट हम यहाँ से लेंगे, वहाँ पर हम लोगों ने अपने जहाँ पर कैमरे प्लेस करने थे वो वहाँ पर किए, उन लोगों को बाकायदा वो गेटअप दिया, हम लोग हर चीज़ लेकर रेडी थे, हम लोगों ने कुछ जो सीन थे वो हम लोगों ने शूट किए, काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे बन गए। फिर हम लोगों ने उसके बाद कुछ देर हम लोगों ने रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद जिस टाइम इवनिंग होने लगी तो हम लोगों ने दोबारा से स्टार्ट लिया। अब हम लोगों ने स्टार्ट लेना था डैनी और माइकल से, यानी डैनी ने वहाँ से वो ब्लैक कॉस्ट्यूम में अपीयर होना था उसी लोकेशन से, और फिर हम लोगों ने एक साइड पर एक ब्लैक बाकायदा एक ब्लैक वॉल पेपर लगाया हुआ था जिसके पीछे उसने जाकर डिसअपीयर हो जाना था, एक वो सीन था, और उसी जगह पर माइकल ने वो साउंड प्रोड्यूस करना था और मैंने उसके ऑपोजिट साइड से कुछ चीज़ें वहाँ पर फेंकनी थी। ये सब था हम लोगों का सीन। जब हम लोगों ने ये सीन स्टार्ट किया बकायदा वैसे ही वो डैनी आया और फिर वो माइकल ने वो कुछ आवाज़ें निकाली, मैंने पत्थर फेंके, वो वॉलपेपर के पीछे जाके डिसअपीयर हो गया, वो वहाँ पर रुक गया। अभी हम लोग जब ये सीन हम लोगों ने पैकअप करना था, उससे पहले जो हम लोगों का कैमरामैन था वो बकायदा फोकस कर रहा था उसी जगह को। अब जो डैनी था वहाँ से निकलकर वो दूसरी साइड से हम लोगों के पास मेरे पास आ गया बैक साइड पर, क्योंकि उसका सीन बस इतना ही था। हम लोगों ने खुद हम लोगों का जो कैमरामैन था उसने एकदम से चिल्लाना शुरू कर दिया, उसने ये कहा कि मैंने वहाँ पर कुछ देखा है, वो भी ब्लैक ड्रेस में ही था, वो बिल्कुल सामने आया है, सामने आकर खड़ा हो गया है, जबकि वहाँ पर हम लोगों को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि ये ऐसे क्यों कर रहा है, मे बी हमें हम लोगों के साथ प्रैंक कर रहा है, तंग कर रहा है। लेकिन जब हम लोगों ने वो फुटेज देखा तो उसमें बकायदा वो पैकअप वो सीन बंद करने से पहले उसको एंड करने से पहले बकायदा वहाँ पर एक ब्लैक कलर का हम लोगों को जैसे एक प्रॉपर कुछ खड़ा है उसका पूरा एक इमेज बना, वो उसी साइड से आया जिस तरफ से वो डैनी आया था। बहुत जूम करके देखा उसको, बार बार रिवर्स करके देखा, वो वहीं से अपीयर हुआ, कुछ थोड़ा सा आगे आया लेकिन वो रुक गया, वो उस वॉलपेपर की बैक पर नहीं गया जो हमने वहाँ पर लगाया हुआ था। अब हम लोग बहुत डर गए कि यहाँ पर सामने तो कुछ भी नहीं है। खैर फिर हम लोगों में थोड़ा सा हम लोगों ने यही कहा कि जितनी जल्दी होता है हम लोग यहाँ पर अपने सीन करते हैं और निकलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम लोगों ने वो जो दोनों गर्ल्स थी इज़ाबेल और लिज़ा को हम लोगों ने ये कहा था कि तुम लोगों ने बस चलते हुए यहाँ पर चक्कर लगाना है, एक राउंड लगाना है इस पूरी लोकेशन का, यानी वो 2 घर उसके अलावा नेक्स्ट जो बिल्डिंग्स थी उनका एक चक्कर लगाना है तुमने बस, और वहाँ पर हम लोग ये दिखाएंगे कि वहाँ पर घोस्ट थे, फिर तुम लोग किसी दीवार के पीछे हो जाना, ऐसे हम लोगों ने उन्हें समझा दिया। फिर हम लोगों ने अपना जब नेक्स्ट सीन स्टार्ट किया तकरीबन वो 5 से 6 मिनट का हम लोगों ने बनाना था, क्योंकि वहाँ पर मुख्तलिफ लोकेशंस पर उन लोगों को गुजारना था, खड़े करना था, इस तरह से उन लोगों ने किया, हम लोग मुसलसल उसी तरह से वो फिर आवाज़ें और हंसने की और इस तरह से आवाज़ें बनाते रहे। उन लड़कियों ने कोई आवाज़ कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं करना था किसी किस्म का भी। जैसे ही वो सीन हम लोग कर रहे थे ड्यूरिंग दैट सीन हम लोगों को बकायदा किसी औरत के बहुत ऊँची आवाज़ में उसकी चीखें सुनाई दी, वो बहुत लाउडली स्क्रीमिंग कर रही थी। वो कौन थी हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों ने वहीं पर वो जो सीन था उसको कट किया और पूछा कि तुम लोगों में से ये कौन है जो इस तरह से स्क्रीम कर रहा है, लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि हम लोगों में से कोई भी नहीं था जो इतनी ऊंची आवाज़ में चीख रहा हो, हमें तो पता ही नहीं, हम लोग खुद सुनकर ये समझ रहे थे कि तुम लोग ये आवाज़ें निकाल रहे हो। उस औरत की चीखों पुकार हमने खुद सुनी, बहुत भयानक आवाज़ में वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, और वो उसी साइड से आवाज़ें आ रही थी जिस साइड पर वो दोनों गर्ल्स जा रही थीं।
जैसे ही वो सीन हम लोगों ने दोबारा कंटिन्यू किया, उनको चलाते गए, वो चलती गई, थोड़ी देर के बाद फिर वही आवाज़ें, बहुत ज़्यादा डरावनी आवाज़ें थी उस औरत की। वो इतना लाउडली वो रो रही थी और चिल्ला रही थी। वो लोग डर के हम लोगों की तरफ भागी। जैसे वो लोग डर के भागी, हम लोगों ने वहाँ पर बिल्कुल उसी साइड पर एक बहुत बड़ा दरख्त था जिसकी काफ़ी ज़्यादा जो छांव थी वो एक घर, टूटे हुए घर के ऊपर आई हुई थी। वहाँ पर हम लोगों ने उस शाख के ऊपर एक औरत को बैठे देखा। सफ़ेद कलर का उसका भी ड्रेस था, लेकिन उसके बाल बहुत ज़्यादा लंबे थे, यानी उसके बाल सर से नीचे ज़मीन तक आ रहे थे। वो ऊपर दरख्त पर बैठी थी और वहाँ से ज़मीन तक उसके बाल थे। बाकायदा हम लोगों ने फोटेज लिया उसका भी, वो भी सीन हम लोगों के पास था। वो जो औरत थी वो उस दरख्त के ऊपर हम लोगों को बाकायदा नज़र आई, वही वो आवाज़ें निकाल रही थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि पता नहीं ये कौन है, ये कैसे ये हम लोगों के साथ ये हो रहा है। हम लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि हम लोगों ने पहले वहाँ पर आकर विज़िट किया था, सर्वे किया था, तब हमें वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हम लोगों ने जल्दी जल्दी से अपना सारा सामान हम लोगों ने पैकअप किया, हम लोगों ने वहाँ से निकलना था। तो उसके चारों तरफ वो जो इलाका था, जितनी भी वो जगह थी, वहाँ पर बहुत भयानक कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आने लग गई। वो काले रंग के कुत्ते थे और उनकी जो आंखें थी वो रेड कलर की थी। साइज़ में काफ़ी बड़े कुत्ते थे। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने चारों तरफ से हम लोगों को घेर लिया है। वहाँ से हम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, रात हो चुकी थी, बहुत डर लग रहा था। वहाँ पर सिर्फ एक ऐसी बिल्डिंग थी, ऐसी एक जगह थी जहाँ से कुछ स्टेयर्स थी जो ऊपर जाती थी। हम लोग फ़ौरन से भागकर ऊपर चले गए इस डर से कि कहीं वो जो कुत्ते हैं हम लोगों के ऊपर हमला ना कर दें, क्योंकि वो बकायदा हम लोगों के ऊपर वो जैसे भौंक रहे थे। और जैसे ही हम लोग ऊपर उस छत के ऊपर गए कि हम लोग बच सकें, उसका कुछ हिस्सा बाकी अभी था, वहाँ पर हम लोग बड़ी मुश्किल से बैठे। हम लोग बाहर देख सकते थे वो जितने भी काले रंग के कुत्ते बाहर भौंक रहे थे, बकायदा उस हिस्से की तरफ हम लोगों ने खुद आते देखे जिस जगह पर हम लोग थे। लेकिन जब वो हम लोगों की तरफ ऊपर देखकर बहुत ज़्यादा बुरी तरह से भौंक रहे थे, ऐसे लग रहा था वो रो रहे हैं, उनकी सुर्ख रंग की आंखें थीं। हम लोग इतने खौफज़दा थे कि हम लोग वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह भूल चुके थे। बस हम लोग वहाँ से निकलना चाहते थे कि जैसे कैसे करके हम लोग एक दफ़ा वहाँ से निकल जाएं। वही दरख्त जिस तरफ हम लोगों ने उस औरत को देखा था, उसी तरफ एकदम से जैसे फिर से कोई आवाज़, किसी ने बहुत भयानक आवाज़ में जैसे कुछ बोला हो, और उसके बाद एक बहुत भयानक चीख सुनाई दी। वो सारे कुत्ते जो थे उस दरख्त की तरफ देखने लग गए और ज़मीन के ऊपर बैठ गए। वो कुत्ते खौफ के मारे ज़मीन पर बैठ गए और बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता आवाज़ में रोने लग गए। हम लोग भी वो सब कुछ देख रहे थे, क्योंकि हम लोग काफ़ी हाइट पर थे और वो सब कुछ नज़र आ रहा था। उस दरख्त के ऊपर उस वक्त हम लोगों को कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो कुत्ते उस तरफ देखकर इस तरह से ज़मीन पर डर के बैठ गए थे जैसे वो अपने सामने किसी को देख रहे हों। फिर देखते ही देखते वो सारे कुत्ते जो थे उन्हीं खंडरों में, वो जो टूटे फूटे घर थे उनके अंदर चले गए और उनकी आवाज़ आना भी बंद हो गई। अब हम लोग इस खौफज़दा थे कि हम लोग कैसे नीचे जाएं, कहीं वो कुत्ते हम लोगों के ऊपर हमलावर ना हो जाएं। बहरहाल हम लोग बहुत डरते हुए वहाँ से नीचे हम लोग भागे। जैसे हम लोग नीचे आए, हम लोगों ने वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा सुना। ऐसा लगा कि जब हम लोग सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, हम लोगों के पीछे बाकायदा कोई आया था। हम लोगों के जो ग्रुप फेलो थे और हम लोगों के साथ जो दो कैमरामैन थे, उन लोगों का बाकायदा ये कहना था कि हम लोगों ने वहाँ पर एक औरत को बैठे देखा था जो वहीं पर हम लोगों के पास बैठी हुई थी। जब हम लोग तेज़ी से नीचे भागे तो वो हम लोगों के साथ पीछे भी आई और गायब हो गई। हम लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से बाहर निकले। जब हम लोग वहाँ से भाग रहे थे उस वक्त भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर था, लेकिन वो कुत्ते कहाँ गायब हो गए हम लोग नहीं जानते। वो तादाद में बहुत ज़्यादा कुत्ते थे, तकरीबन 15 से 20 काले रंग के कुत्ते थे, लेकिन वो उन खंडरात में जाकर गायब हो गए। ऐसे लग रहा था जैसे दरख्त के ऊपर लोगों ने जो मखलूक देखी थी, उस मखलूक ने उनको पता नहीं ऐसा क्या कहा जिससे वो डर के ज़मीन पर बैठ के और रोने लग गए और फिर गायब हो गए। शायद वो सब भी वही जिन्नात थे जो वहाँ पर मुकीम थे, मौजूद थे। मैं मुसलसल वहाँ पर जितनी देर भी रहा, ये सब होने के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता रहा, दुरूद पाक पढ़ता रहा।
हम लोगों की जो ग्रुप फैलो जो गर्ल्स थी रिजा और इज़ाबेल, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। लेकिन जो लड़के थे वो खौफज़दा थे, लेकिन फिर भी वो अपना उस तरह से शो ऑफ नहीं कर रहे थे। हम लोगों ने ये कहा कि हम लोगों की बहुत अच्छी तरह से वो सारी वीडियो भी शूट हो गई है और उसमें वो रियल क्लिप्स भी हैं जो वहाँ पर हम लोगों ने बाकायदा रिकॉर्ड किए थे। हम लोग वहाँ से निकले, रास्ते में हम लोग एक दो जगह पर रुके, वो जो हम लोगों के ग्रुप फैलो थे वो लोग चर्च गए। उसके बाद जब वो लोग वापस आए तो हम लोगों का ही एक ग्रुप फैलो था डैनी, उसके घर हम लोग गए, कैमरामैन भी हम लोगों के साथ थे। जब हम लोगों ने वो सारी देखी जो हम लोगों ने वहाँ पर शूटिंग की थी, जितने भी सीन्स हम लोगों ने वहाँ पर शूट किए थे वो सब वहाँ पर मौजूद थे, और उन सीन में बाकायदा हम लोगों को ऐसे लग रहा था जैसे वाइट कलर के कुछ वजूद हैं लेकिन वो क्लियर नहीं है। हम लोगों के इर्द गिर्द बहुत सी ऐसे चीज़ें मौजूद थी जो हम लोगों को रियल आई से हम लोग वहाँ पर देख नहीं सके, लेकिन वो उसमें थी। लेकिन वो जो सीन थे जो हम लोगों ने दख पर रिकॉर्ड किए थे, वो जो कुत्ते जब आए थे, तो जब हम लोग अभी ऊपर जाने लगे थे तो वहाँ पर कुछ हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी, वो कोई भी सीन उसमें रिकॉर्ड नहीं हुआ। उसकी जगह पर सिर्फ और सिर्फ वो ब्लैक कलर की वीडियो थी, लेकिन बिल्कुल ब्लैक थी, जैसे लाइट ऑफ होती है तो रिकॉर्डिंग हो रही होती है लेकिन नज़र कुछ नहीं आता, ऐसे था वो। कैसे सब कुछ एकदम से वो डिसअपियर हो गया हमें नहीं पता। फिर उसके बाद वो तो कंप्लीट नहीं हो सका हम लोगों की जो प्रोजेक्ट था, क्योंकि हम लोग उस तरह से उसके एंडिंग सीन बना ही नहीं सके, वो सब कुछ वहाँ पर ख़त्म हो गया। फिर हम लोगों ने एक हॉल लिया, उस हॉल में हम लोगों ने बाकायदा वहाँ पर सेट लगाए, थीम हम लोगों को वहाँ से मिल गया, उससे रिलेटेड फिर हम लोगों ने एक आर्ट मूवी बनाई, और वो फिर वहाँ पर जो प्रोजेक्ट था हम लोगों का जब हम लोगों ने सबमिट करवाया तो वो सबको बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जो रियल में हैपनिंग हुई थी उसको हम लोग कभी भी नहीं भुला सकते। वहाँ पर मज़ीद फिर मैं 4 साल रहा, उसके बाद फिर मैं टेक्सास आ गया। अब भी मैं मीडिया में ही हूँ, मीडिया रिलेटेड वर्क ही करता हूँ, लेकिन ऐसी किसी भी रियल लोकेशन पर मैं नहीं जाता जहाँ पर ऐसी चीज़ें हों, जहाँ पर इस तरह से हॉन्टेड जगह हो, अबेंडेंड हो, जहाँ पर जाने के लिए नो एंट्री बोर्ड हो। लेकिन ये जो हैपनिंग है इसको मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। आज भी अगर हम लोग कभी, हम लोगों के वो जो जितने भी पुराने दोस्त हैं, जो हम लोगों का ग्रुप था, आज भी कभी हम लोग रीयूनियन करें तो हम लोग इस चीज़ को जब दोबारा से बैठकर डिस्कस करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल नई बात है। ये एक स्टोरी थी मेरी जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैं भी बहुत बीमार रहा, बुखार हो जाता था, डरावने ख्वाब आते थे। फिर पाकिस्तान फ़ोन किया, मेरे पेरेंट्स ने फिर मुझे ये कहा कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करो, कुरान पाक पढ़ा करो, बावजू रहा करो। एक पीर साहब से मुझे दम भी करवाया गया फ़ोन पर। फिर अल्लाह का शुक्र है कि मैं ठीक हो गया। ये कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। थैंक यू सो मच फैसल। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी इमरान शेयर कर रहे हैं कराची से। इमरान कहते हैं कि आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज़्यादा भयानक कहानी शेयर करना चाहता हूँ। आज से 6 साल पहले की बात है, हम लोगों की यहाँ पर मार्केट थी, तो वहाँ पर कुछ ऐसी शॉप्स थी जिनमें सडनली शॉर्ट सर्किट से आग लगी, आधी से ज़्यादा वो जो बिल्डिंग थी, मार्केट जो थी, वो जल गई थी। बहुत लोगों का लॉस हुआ था वहाँ पर, बहुत से लोग जो थे दोबारा से वहाँ पर वो काम स्टार्ट कर सके ही नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट थी ही नहीं कि वो दोबारा से स्टार्ट ले सकते। बहुत ज़्यादा बिल्डिंग का हिस्सा जो था वो खाली रह गया, 2-3 साल वो जगह बिल्कुल बंद रही, खाली रही। वो शॉप्स जो थी वो जली की जली ही रह गई। उनमें कुछ शॉप्स जो थी वो ग्राउंड फ्लोर पर भी थी और कुछ बेसमेंट में भी थी। जो ग्राउंड फ्लोर पर कुछ शॉप्स थी, कुछ तो लोगों ने ले ली, लेकिन आधी से ज़्यादा हिस्सा वो खाली ही रहा। हम लोगों का एक दोस्त था, उसने ये डिसाइड किया कि वो जितनी भी वो बिल्डिंग है वो उसको, जो भी उनके ऑनर हैं उनसे वो ख़रीद लेगा, जितनी भी कीमत पर वो उसको देंगे, क्योंकि वो हाफ़ कीमत बनती थी, काफ़ी अच्छे से खाली थी। उसका ये प्लान था कि वो वहाँ पर दोबारा से एक बिज़नेस स्टार्ट करेगा, उन सबको गिरा कर तो वहाँ पर एक ही जैसे कोई मार्ट वगैरह होता है वो बनाएगा। जब मैं और मेरा वो दोस्त हम लोग उस लोकेशन का विज़िट करने के लिए गए, वो बहुत भयानक जगह थी, सारी दुकानें इतनी बुरी तरह जली हुई थी, और अजीबोगरीब बात ये थी कि उन जली हुई दुकानों के अंदर वो जो शॉप्स थी जितनी भी, उन दीवारों के ऊपर अजीबोगरीब नक्शे बने हुए थे, वो बहुत भयानक चेहरे थे, बाकायदा नज़र आते थे, ऐसे लगता था वो खौफनाक चेहरे बने हुए हैं।
वो कोई इंसान नहीं बना सकता, किसी इंसान के जहन में वो चीज़ें आ ही नहीं सकती जो उन दीवारों के ऊपर बने हुए थे। बहुत डर भी लग रहा था। जब हम लोग बेसमेंट में गए, बेसमेंट की स्टेयर्स तक जली हुई थी। 3 साल के बाद भी वहाँ पर वो राख और वो जो जलने का एहसास था वो महसूस हो रहा था। बेसमेंट में जब हम लोग गए तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जब हम लोग उस बिल्डिंग का विज़िट कर रहे थे तो उस वक्त वहाँ पर दिन का टाइम था, तकरीबन असर के बाद का टाइम होगा, अभी रात तो हुई नहीं थी कि वहाँ पर अंधेरा होता, लेकिन बेसमेंट में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। हम लोगों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और हम लोग वो जगह देखने लगे। काफ़ी बड़ा बेसमेंट था वहाँ पर। एक कॉर्नर में जो मेरा दोस्त था, उसने जब देखा तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एकदम से उसने कुछ चमकता हुआ देखा है। उसने कहा कि मैंने वहाँ पर कुछ देखा है, वो चमक रहा था जैसे 2 आँखें होती हैं। मैंने उसे ये कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं आता, जब से ये पूरी मार्केट का हिस्सा जब से जला है, ये गैर आबाद है, 3 साल से यहाँ पर कोई भी नहीं आया, तो यहाँ पर कौन हो सकता है? शायद कोई बिल्ली या कोई जानवर, कोई कुत्ता होगा। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह थी कि अगर वहाँ पर कोई जानवर भी होता तो हम लोगों के जाने से वो डर के भागता या हम लोगों की तरफ आता, हम लोगों को पता चलता। आहट वहाँ पर कोई भी नहीं थी, लेकिन उसने ये कहा कि मैंने उस कॉर्नर में कुछ चमकता हुआ देखा है। हम लोग डरते डरते उस कॉर्नर की तरफ गए, मोबाइल टॉर्च ऑन थी। जब वहाँ पर रोशनी में देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था। जैसे ही हम लोग वहाँ से वापस आने लगे, हम लोगों ने बिल्कुल स्टेयर्स के पास किसी को खड़े देखा। हम लोगों ने पूछा कि तुम कौन हो, हम लोग यहाँ पर विज़िट करने आए। हमें ये लगा कि शायद हम लोगों को बाहर किसी ने देखा होगा तो वो पूछने आए होंगे कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो हिलजुल ही नहीं रहा था, जो कोई भी था ऐसे था जैसे कोई स्टैचू है। हाइट भी लंबी थी। अब हम लोग उससे काफ़ी दूर थे। जब हम लोग उसके पास जाने लगे, वो जो कोई भी था एकदम से, हमें तो पता ही नहीं था कि उसकी हम लोगों की तरफ कमर थी। जब वो टर्न होकर उसने फेस हम लोगों की तरफ किया, वो बहुत भयानक चेहरे वाला कोई वजूद था। उसके सर पर बाल नहीं थे, बहुत बड़ा उसका चेहरा था, उसकी आंखें चमक रही थीं, बहुत स्याह उसका जिस्म था। ऐसे लग रहा था जैसे उसने अपने जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं पहना, इसके बावजूद उसका जिस्म बहुत ज़्यादा काला था। इतना भयानक चेहरा, बहुत बड़ी बड़ी आंखें और वो भी स्पार्क कर रही थी। एकदम से वो सामने आया और गायब हो गया, बस उसको देखने की देर थी। हम लोग वहाँ से भागे, हम लोग बहुत ज़्यादा खौफज़दा हुए और हम लोग वहाँ से भाग गए। जैसे हम लोग वहाँ से भाग कर निकले तो उस बेसमेंट से बहुत भयानक आवाज़ भी आई और ऐसे लग रहा था वहाँ पर बहुत भारी चीज़ कोई गिरी भी है, जबकि वहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद मेरा जो दोस्त था उसने वो प्लान कैंसिल कर दिया। उसने बाद में फिर एक रूहानी शख्सियत थे उनसे डिस्कस किया, मैं भी साथ था, तो उनका ये कहना था कि वो जो नक्शे थे, वो जो चेहरे आप लोगों ने बने देखे थे, वो जिन्नात थे। 3 साल से वो जगह गैर आबाद रही। जब भी कोई जगह गैर आबाद हो जाती है, जहाँ पर इंसान आना जाना छोड़ देते हैं, फिर वहाँ पर गैर मरे मखलूकात मुकीम हो जाते हैं, वो उन्हीं के चेहरे थे। और बेसमेंट में भी जो आप लोगों ने वजूद देखा था, वो भी वही मखलूकात थी जो वहाँ पर मौजूद थी, जिनका वहाँ पर बसेरा था। बेहतर यही है कि आप लोग वहाँ पर कोई बिज़नेस स्टार्ट ना करें, क्योंकि अगर कोई बिज़नेस स्टार्ट करेंगे तो वो आपको तंग करेंगे और नुकसान भी पहुँचाएंगे। उसके बाद कभी भी हम लोग उस हिस्से की तरफ गए ही नहीं। ये हम लोगों की ज़िंदगी की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका। लिसनर्स, ये थी आज की खौफनाक कहानियाँ। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nosheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। हॉरर उर्दू सेंटर पर न्यू नावल इंशाल्लाह जल्दी ऑन एयर करूँगी, उसको भी विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह निगहबान।